दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिथुन सुरानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आज स्मार्ट पे सर्विस के बारे में कुछ बताएंगे, जो कि हमारे स्मार्ट पे सर्विस पे पैन कार्ड का अप्ले ऑप्शन आ चुका है और चालू हो चुका है। तो दोस्तों अप्लाई कैसे करते हैं आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम बताएंगे डॉक्यूमेंट कौन सी लगती है ये हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड का, जो कि फॉर्म नंबर 49A का है, NSDL फॉर्म। तो ये फॉर्म है, इस पर दो फोटो लगता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है इस पर और फिलअप करना है, ये फिलअप करना है पूरा। और ये फॉर्म है फर्स्ट पेज, उसके बाद आपको ये दो नंबर फॉर्म का पेज मिल जाएगा, ये फॉर्म दो नंबर पेज है। उसके बाद आपको लेना है एक आधार कार्ड, मतलब आपको एक फॉर्म लेना है फर्स्ट पेज सेकंड पेज और एक आधार कार्ड और दो कॉपी फोटो। फोटो के ऊपर एक क्रॉस साइन होगा और आपको साइन कहाँ कहाँ करना है, एक फ़ोटो के ऊपर क्रॉस साइन करना है और एक यहाँ साइन करना होगा आपको दो नंबर पेज पर। और चाहो तो आप आधार पे भी साइन कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बस इतना ही आपको ज़रूरत है पेन अप्लाई करने के लिए। ये पेन कार्ड का फॉर्म नंबर 1 पेज है, जो कि फ़ोटो दो कॉपी लगता है, ये दो नंबर पेज है और एक आधार कार्ड। तो इतने ही पे आपको पेन कार्ड का अप्लाई कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये फॉर्म को आप डाउनलोड करके फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद स्कैन करना होगा, स्कैन करने के बाद उसको एक PDF बनाना होगा और अपलोड करना होगा, जो कि पेन अप्लाई ऑप्शन पर PDF अपलोड का आपको मिल जाएगा। तो वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप PDF फाइल को अपलोड कर दोगे और सबमिट कर दोगे, तो 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कोई अगर रिजेक्शन है या नहीं है वो आपको मिल जाएंगे। अगर रिजेक्शन हो गया तो आपका जो पेमेंट माइनस हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, वो रिफंड हो जाएगा, और सक्सेस हो गया तो वो आपको 24 घंटे के अंदर रिसिप्ट एनोलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड ई पेन ऑप्शन के द्वारा NSDL का। तो दोस्तों ये बस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, जो कि आपको फिलअप करना है। ये डॉक्यूमेंट पे आपको बस ये फॉर्म पे फिलअप करना है और कुछ नहीं। उसके बाद टाइप करके आप डायरेक्ट ये लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पूरा स्क्रीनशॉट लेके अप्लाई ऑप्शन कैसे आता है स्मार्ट पे सर्विस का, और अप्लाई कैसे किया जाता है, और ये PDF फाइल कहाँ अपलोड होता है, तो वो ही बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आखिरी बार हम और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि कोई भी हमारे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।